प्रदेश की राजनीति में आज एक और विधायक राम दुलार गोंड को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में सजा हुई है, जिसके बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में राजनीतिक पारा बढ़ गया है। कोर्ट ने विधायक को 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सोनभद्र की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक राम दुलार गोंड को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा का ऐलान हुआ है। वही जुर्माने की राशि 10 लाख रुपए पीड़ित किशोरी को दी जाएगी। बता दें कि मामले पर इसी 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आज फिर विधायक की सजा का ऐलान हो गया। बता दें कि नवंबर 2014 में मेयरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, तब से मामले में लगातार 8 साल से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा और विधायक समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। सजा के बाद विधायक राम दुलार गोंड की सदस्यता भी जाना करीब करीब तय है। वहीं विधायक के वकील ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। आखिरकार लंबे समय बाद पीड़ित परिवार को न्याय तो मिल गया, लेकिन इस सजा के बाद बीजेपी पर भी तमाम सवाल खड़े होने तय हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्षी दल से इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।